कांग्रेस के नए प्रमुख का कार्यभार संभालने के बाद राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल एक्शन मोड में है। रथ यात्रा में घायल हुए लोगों से मुलाकात के साथ ही उन्होंने पार्टी के नेताओं की घर वापसी की मुहिम भी तेज कर दी है। गोहिल 2024 की व्यूह रचना के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं। क्या गुजरात प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह का 2024 को लेकर क्या है गेम प्लान, देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। गुजरात कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन के बाद घर वापसी की मुहिम शुरू हुई है। नए अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के पदभार ग्रहण करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कांग्रेस के मोटी संख्या में कार्यकर्ता जुड़े और पार्टी छोड़ आप में गए वशराम सागठिया ने पार्टी में वापसी की। सागठिया के साथ 30 पदाधिकारियों की पार्टी में वापसी से शक्ति सिंह गोहिल भी खुश दिखाई दिए। शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात की कमान संभाले के बाद घर वापसी की मुहिम शुरू की है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो ऐसा पता चल रहा है कि गुजरात कांग्रेस की आधारशिला रहे पुराने नेता जो कांग्रेस छोड़ चुके हैं उनकी कांग्रेस में घर वापसी होगी और युवा कार्यकर्ताओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा। अगर ये सच हुआ तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस नए जोश और अनुभव के साथ आगे बढ़ेगी। गुजरात प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद शक्ति सिंह गोहिल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोहिल गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के प्लान को लेकर फ्री हैंड चाहते हैं। इसके अलावा गोहिल लोकसभा चुनावों की तैयारी को तेज करना चाहते हैं ताकि पार्टी आम चुनावों में प्रदेश की सीटों पर अच्छी टक्कर दे सकते। इसमें लोकसभा चुनावों को लेकर बड़े तौर पर प्लान बन सकता है कि पार्टी कैसे गुजरात में मजबूत टक्कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट GST